हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? आशा करता हूँ कि ठीक ठाक होंगे, बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, मेरा नाम है राम किशन और आप देख रहे हैं श्री कृष्ण ऑटो सर्विस यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, ये जैसे कि देख सकते हो पल्सर 135 है। तो फ्रेंड्स, इसमें हम क्या काम कर रहे हैं, सर्विसिंग का काम कर रहे हैं, ठीक है। और फ्रेंड्स, इसमें मतलब दो तीन दिन पहले से ही एक वायरिंग का इशू हो रहा है, तो मैं टाइम नहीं दे पा रहा था और कस्टमर मतलब आके चल गए, और मेरे बच्चे लोग जो था मतलब देख रहा था पर सॉल्व नहीं कर पाया, ठीक है। तो क्या हुआ फ्रेंड्स, अंधेरे में गाड़ी चलाया दो दिन और हेडलाइट नहीं जल रहा है, और क्या हो रहा है, किक से भी स्टार्ट हो रहा है और सेल्फ से भी स्टार्ट हो रहा है। जैसे कि मैं अभी दिखा दूँ फ्रेंड्स, न्यूट्रल में कर लेते एक बार, चलिए क्लच को दबा के एक बार सेल्फ लगाते हैं। देख सकते हो सेल्फ ले रहा है, और जो मतलब डिजिटल मीटर है उसमें क्या हो रहा है, लाइन नहीं आ रहा है, पर हमारा गाड़ी स्टार्ट हो रहा है। तो हमने क्या किया फ्रेंड्स, जो फ्यूज़ होता है इस जगह से, देख सकते हो इस जगह में फ्यूज़ होता है, इस जगह में भी फ्यूज़ होता है, ये सब हमने चेक कर लिया, फिर भी क्या हो रहा है, लाइन इसमें नहीं आ रहा है फ्रेंड्स। तो फाइनली हमने क्या किया, सर्विसिंग का काम तो कर ही रहा है टाइम देके, और फ्रेंड्स जो वायरिंग का दिक्कत है वो हम काम कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, हमने सबसे पहले क्या किया, जो ये सॉकेट है इसको तो डायरेक्ट किया और यहाँ से चेक कर रहे हैं हम, पर ये तो इशू नहीं है यहाँ से, क्योंकि ये जब हमारा सॉकेट लगा हुआ है क्या हो रहा है, मीटर पर लाइन नहीं आ रहा है, बस खोल देने से भी स्टार्ट नहीं हो रहा है और लगाने से भी स्टार्ट मतलब हो जा रहा है, ठीक है, सेल्फ से स्टार्ट हो रहा है, मीटर पे लाइन नहीं आ रहा है। तो क्या होता है, कुछ बार मीटर पे लाइन नहीं आ रहा है, और फ्रेंड्स क्या हो रहा है, जो हॉर्न है, इंडिकेटर है, वो भी नहीं बज रहा है बढ़िया से, ठीक है। तो हम चेक कर रहे हैं क्या, ये सब नहीं, ये सब इशू नहीं है फ्रेंड्स। हम क्या चेक कर रहे हैं, बढ़िया से बैटरी वोल्टेज चेक कर रहे हैं, क्योंकि सेल्फ ले रहा है फ्रेंड्स, कौन सा प्रॉब्लम है वो हमको समझ नहीं लग रहा है, तो काफ़ी मुश्किल हो गया था समझना, ठीक है। तो फिर हमने क्या किया फ्रेंड्स, शायद मीटर ख़राब हो सकता है, ठीक है, मीटर वैसे इसका ख़राब है थोड़ा बहुत, शायद मीटर ख़राब हो सकता है, ठीक है। तो हमने क्या किया, जो इंडिकेटर फ्लैशर जहाँ पे फिट होता है उसको भी हमने खोल के एक बार वायरिंग चेक किया, लाइन मतलब आ रहा है कि नहीं, तो यहाँ से भी लाइन नहीं आ रहा, और कस्टमर ने क्या किया था, ये जो सॉकेट है इसको भी खोल दिया था। तो फिर हमने क्या किया फ्रेंड्स, देख के मतलब बढ़िया से वायरिंग को चेक कर रहे, जब चेक करने लगा तो ये जो तार देख सकते हो फ्रेंड्स, हल्का सा ऑरेंज है और इसके साथ ब्लू कलर है, देख सकते हो, मतलब हल्का सा ऑरेंज मतलब मिट्टी कलर जैसा, ठीक है। ये होता है मेन लाइन, वाइट होता है मेन लाइन, उसके बाद जब इग्निशन ऑन करेंगे इस पर आएगा लाइन, ये होता है बजाज का। और ये क्या हुआ फ्रेंड्स, इस सॉकेट से मतलब काट के क्या किया था किसी ने, मतलब डायरेक्ट किया था, ठीक है, डायरेक्ट किया था फ्रेंड्स, ठीक है, इस जगह से मतलब जल गया था, पूरी तरीके से जल गया था ये सब। तो इस ये जलने के कारण क्या हो रहा है फ्रेंड्स, हमारा सेल्फ ले रहा है पर क्या हो रहा है, ना हॉर्न बज रहा है, ना ही इंडिकेटर चल रहा है, ना ही डिजिटल मीटर में कुछ शो कर रहा है, और न्यूट्रल का लाइट जो है वो भी नहीं अच्छा ये खुला हुआ है, चलिए खैर खोल गया होगा शायद गाड़ी धोते धोते। तो चलिए हमको जो प्रॉब्लम था प्रॉब्लम पता चल गया फ्रेंड्स, ठीक है। तो चलिए एक बार दिखा देता हूँ कैसे स्टार्ट हो रहा है गाड़ी और मीटर में लाइन नहीं आ रहा, चलिए एक बार देख लेते हैं। देख सकते हो फ्रेंड्स, जैसे कि हमने इग्निशन अच्छा वहाँ से डायरेक्ट किया हुआ हमारा, ठीक है, वहाँ से डायरेक्ट किया हुआ, चलिए कोई नहीं, हम एक बार सेल्फ लगाते हैं, क्लच दबा के सेल्फ लगाते हैं, देख सकते हो बढ़िया से हमारा गाड़ी स्टार्ट हो रहा है मतलब, ठीक है। तो ये जब तार हम जोड़ेंगे यहाँ से तो फिर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, चलिए इसको जोड़ते हैं। फाइनली कोई प्रॉब्लम नहीं था, बस इस जगह से जल गया था थोड़ा बहुत, अब देख के अंदाज़ा लगा सकते हो, देखिए फ्रेंड्स, ठीक है। तो चलिए इसको जोड़ देते हैं और काम हमारा हो चुका है, चलिए पहले इसको जोड़ते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स देख सकते हो ये जो वायर है, और वहाँ से हमने चाबी लॉक को लगा दिया, ठीक है, और इग्निशन हमारा ऑन है, जैसे कि देख सकते हो जब हम यहाँ पर लगाएंगे, और देख रहे हो फ्रेंड्स मीटर पे लाइन आ रहा है फाइनली, और क्या हो रहा है फ्रेंड्स, मीटर जो है इसका ख़राब है, आप देख के पता लगा सकते हो, मीटर जो है इसका ख़राब है, ठीक है, हॉर्न वगैरह बज रहा है, इंडिकेटर काम कर रहा है, वैसे फ्लैशर खुला हुआ है, फ्लैशर को मैं पहले लगा दूँ एक बार। तो हमने क्या किया, फ्लैशर को लगा दिया, ठीक है, आप देख सकते हो फ्रेंड्स जो मीटर है लाइन आ रहा है, और मीटर वैसे ख़राब है, देख के पता लगा रहा लग गया, ठीक है, देख सकते हो फ्रेंड्स इंडिकेटर वगैरह सही से काम कर रहा है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में अगर कुछ सीखने को मिला है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर हो सके तो प्यार से लाइक दे देना, ठीक है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट इसी वीडियो में नया टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, और हम बढ़िया से टेपिंग वगैरह कर देंगे इसमें, ठीक है।